भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले बाबर नाम के व्यक्ति की कुशीनगर में हत्या कर दी गई, जिसके बाद तमाम राजनीति भी गर्म हो गई है और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार ज़रूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है। बात करते हैं परविंदर सिंह जी से, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। सर, जवाब तलब किया है DMSP से इस पूरे मामले में, पता चल रहा है, तो क्या क्या बातें उसमें लिखी गई? देखिए, मैंने उपरोक्त घटना, तो पहले मैं उस उपरोक्त घटना की निंदा करता हूँ। निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इस प्रकार की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी दल विशेष को वोट दे, समर्थन करे अथवा जश्न मनाए। और इस प्रकार की घटना का घटित होना निश्चित तौर पर समाज के लिए अभिशाप है। उपरोक्त घटना में मेरे द्वारा जिलाधिकारी और कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई और मैंने उनसे जानकारी भी प्राप्त की दूरभाष के द्वारा, और मैंने उनसे यह भी कहा कि जो स्वतंत्र साक्षी हैं, जो स्वतंत्र गवाह हैं और परिवारजन हैं, इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। मुझे बताया गया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है और वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। मैं ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधि का शासन उत्तर प्रदेश में कायम है और या किसी भी व्यक्ति को उद्दंडता करने की या इस प्रकार के कृत्य करने की छूट नहीं दी जाएगी। और इस पे हमने यह भी कहा है कि ऐसे कोई अधिकारी अगर आपको लगता है कि उन्होंने अपने कार्यों में लोप किया, शिथिलता बरती है, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, इसकी भी रिपोर्ट हमको दें। तो क्या शिथिलता आपको लग रहा है कि बड़े अधिकारियों ने बरती है इस पूरे मामले में? क्या DMSP को तलब भी करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी घटना में हम उसके विभिन्न पहलुओं को लेकर चलते हैं। तो बस हमने उनसे रिपोर्ट कॉल की कि क्या FIR दर्ज समय से हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, सारी चीज़ें हुई अथवा नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी अधिकारी का कोई लोप हो, तो इसके लिए हमने कहा कि आपका कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाएगा खुद जांच करने के लिए आयोग की तरफ? देखिए, अभी तो इस पे आयोग अपना बैठेगा, निर्णय लेगा, लेकिन हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे जिलाधिकारी और कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पे जानकारी प्राप्त की है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना परविंदर सिंह को, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान से इस बात की जानकारी प्राप्त की गई है कि किन परिस्थितियों में बाबर की हत्या की गई, और इसमें अगर कोई अधिकारी संलिप्त है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।